हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे समर स्लैम 2020 में होने वाले 6 बड़े मैचेस के बारे में, यानी कि इन 6 बड़े मैचेस के अभी क्या फ्रेश स्पॉयलर्स निकल के आई है, एक छोटी सी हाइलाइट्स पर व्यू देख लेंगे बिफोर समर स्लैम 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को व्यू ऑन कर दे। चलिए सेलिब्रिटी को शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट मैच जिसको WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा द हार्ट ऑफ बिजनेस मेंबर MVP वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच में। गाइज, ये मैच हमें एक्सट्रीम रूल्स 2020 में देखने को मिलता है, लेकिन गाइज वहाँ पे ये मैच हमें देखने को नहीं मिलता है और पास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ से हमें इनका राइवलरी देखने को मिल रहा है। तो गाइज ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि US चैंपियनशिप के लिए MVP वर्सेस अपोलो क्रूज का मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी इस मैच के फ्रेश स्पॉयलर्स ये निकल के आ रहा है कि इस मैच को और को नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है कि अपोलो क्रूज जीत जाएंगे और वो रिटेन कर लेंगे अपना US चैंपियनशिप को। और गाइज सेकेंड मैच जिसको WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेज अंड्राडे सी एन अल्मस एंड एंजल गार्जा के बीच में। वेल गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो काफ़ी वीडियो मैंने आपको बताया है कि अंड्राडे सी एन अल्मस एंड एंजल गार्जा एक अपॉर्चुनिटी को अर्न करते हैं और वो इस मैच को जीतते हैं। तो गाइज ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अंड्राडे सी एन अल्मस एंड एंजल गार्जा के बीच में मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज इस मैच के बेटिंग और सीए रिवील हुई है कि इस मैच को और कनिवल के स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाएंगे, लेकिन गाइज स्टिल अभी रूमर्स बैकस्टेज ये आ रहे हैं कि इस मैच को और कनिवल के अंड्राडे सी एन अल्मस एंड एंजल गार्जा जीत जाएंगे और वो हमारे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस बनेंगे एट द बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर स्लैम 2020 में। और गाइज थर्ड मैच हमें वुमेंस डिवीजन के तरफ से देखने को मिलेगा, यानी कि हमें मैच देखने को मिलेगा फॉर द रॉ वुमेंस चैंपियनशिप साशा बैंक वर्सेज आस्का के बीच में। जैसा ही गाइज मैंने फर्स्ट वाले में आपको बताया कि एक्सट्रीम रूल्स का हमें रीमैच देखने को मिलने वाला है, तो गाइज ये भी मैच हमें रीमैच देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंड्राडे एंड गार्जा एक अपॉर्चुनिटी को अर्न करते हैं। गाइज ऐसा अपॉर्चुनिटी और नहीं बस बल्कि आस्का भी अर्न करती हैं, इनको ये बनाए हुए नहीं मिलता है। तो ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि ये भी मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो गाइज इस मैच को तो अभी बेटिंग और रिवील नहीं हुई है, लेकिन गाइज स्टिल अभी चांसेज हैं कि इस मैच को और कनिवल की साशा बैंक जीत जाएंगी और वो रिटेन कर लेंगी अपना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को। लेकिन फिर भी गाइज हमें देखना होगा कि समर स्लैम 2020 में क्या होता है, टाइटल चेंज होता है या नहीं। लेकिन गाइज अगर मैं आपको बताऊं, अगर मेरे फैंस के व्यूअर्स से, तो उनको लग रहा है कि इस मैच को और कनिवल की आस्का जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी गाइज हमें देखना होगा कि इस मैच का विनर क्या होता है। और गाइज फोर्थ मैच हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। वेल गाइज सेथ रॉलिंस काफ़ी लोग को अब तक टारगेट बना चुके हैं, पहले वो बनाते हैं रे मिस्टीरियो को और उसके बाद उनसे भी मन नहीं भरता है, तो वो उसके बाद क्या करते हैं लिस्टर ब्लैक को ही बनाते हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो को तो काफ़ी ब्रूटलाइज तरीके से जो इस वीक का मंडे नाइट रॉ होता है उसमें वो अटैक करते हैं, और जैसे ही गाइज अभी आप इमेज में देख रहे हैं उनके क्या बॉडी का हाल है। तो गाइज ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि ये सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। अब गाइज इस मैच में नोट करने वाली बात यह है कि डोमिनिक मिस्टीरियो का हमें बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर स्लैम 2020 में डेब्यू देखने को मिलने वाला है। तो गाइज अब हमें देखना होगा कि वो डेब्यू मैच में हराते हैं या नहीं, लेकिन गाइज अभी इस मैच के बेटिंग और सीए रिवील हुई है कि इस मैच को और करनी बल्कि सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि इस मैच को और करनी बल्कि सेथ रॉलिंस हार जाएंगे और डोमिनिक मिस्टीरियो अपना ऐसा हो सकता है कि अपना मतलब डेब्यू मैच में ही हरा देंगे सेथ रॉलिंस को। और गाइज फिफ्थ मैच भी ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। गाइज WWE यूनिवर्स को बहुत दिन से मतलब ये हो रहा था कि ये मैच हमें कब देखने को मिलेगा, और WWE यूनिवर्स के बाद WWE सुन लेती है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा एट द बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर 2020 में। और जैसा ही गाइज अगर आपने इस वीक का मंडे नाइट रॉ को फॉलो किया होगा तो अब रैंडी ऑर्टन अटैक कर चुके हैं रिक फ्लेयर पे, और जैसा ही गाइज आपको पता हो कि उनका नाम है लेजेंड किलर, अब उनके रिंग साइड के बाहर कोई भी नहीं होने वाले हैं। तो गाइज ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस मैच को और नहीं बल्कि ड्रू मैकइंटायर जीत जाएंगे। अब देखो गाइज जो भी मतलब रैंडी ऑर्टन के फैन होंगे उनको बहुत वो लगेगा कि क्या बोल रहा भाई, लेकिन गाइज ये जो रूमर्स आ रहा है, मेरा तो हक बनता है कि जो रूमर्स आता है, जो अपडेट आता है, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो गाइज ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि इस मैच को और नहीं बल्कि ड्रू मैकइंटायर जीत जाएंगे, लेकिन गाइज फिर भी स्टिल चांसेज हैं कि इस मैच को और नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन भी जीत सकते हैं। लेकिन गाइज मैं अपने पर्सनल थॉट्स बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा इसी मैच के लिए एक्साइटेड हूं कि ये मैच का कौन विनर होता है। और गाइज लास्ट मैच भी ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिंड ब्रे वायट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में।
जैसा कि गाइस आपको पता हो कि अभी हील टर्न हमें देखने को मिल चुका है ब्रॉन स्ट्रोमन का। इस वीक से पहले का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होता है, पहली बार हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें मतलब उनका थीम सॉन्ग के साथ डेब्यू देखने को मिलता है फिंड का। वो बस अपना पेपर व्यू में ही अपना डेब्यू करते हैं, ये बोली के रिटर्न करते हैं उस टाइप से, लेकिन गाइज हमें देखने को मिलता है। तो गाइज ऑफिशियली ये भी मैच एडवर्टाइज हो चुका है, और जैसा ही गाइज मैंने आपको बताया हील या फेस टर्न, फेस टर्न हमें देखने को मिल चुका है फिंड का, क्योंकि गाइज आपको पता होगा फिंड फेस टर्न के लिए नहीं बल्कि हील टर्न के लिए माने जाते हैं। और चैंपियन का ही हमें हील टर्न देखने को मिल चुका है, और वो यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन एक डिस्प्ले बोर्ड से उनका कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें फिंड को बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुम एलेक्सा ब्लिस के साथ क्या करती हो या क्या करते हो। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि ये भी मैच हमें देखने को मिलने वाला है, और हमें देखना होगा गाइज कि इस मैच को कौन जीतता है। लेकिन गाइज इस मैच की तो ही बेटिंग और रिवील नहीं हुई है, लेकिन गाइज ऐसे माना जा रहा है कि इस मैच को और कनेवल के फिंड जीत जाएंगे और वो 2x यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे एट द बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर समर स्लैम 2020 में। तो गाइज यही 6 मैच है जिसको WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है कि ये मैच हमें समर स्लैम 2020 में देखने को मिलने वाला है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फाइनली बाय फ्रेंड्स।